जनपद संभल की चंदौसी में रविदास जयंती के अवसर पर समरसता कार्यक्रम एवं सहभोज में पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने कहा, दलित हिंदुत्व का आधार है। जनपद संभल की चंदौसी में मुरादाबाद रोड पर स्थित कान्हा विहार में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुए समरसता कार्यक्रम एवं सहभोज में शिरकत करने पहुंचे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भिखारी प्रजापति ने बयान देते हुए कहा कि दलित हिंदुत्व का आधार है, दलितों के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं। वहीं दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कहा कि जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। दूसरी पहुंचे हैं संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित समरसता कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे? गोरक्ष पीठ सामाजिक समरसता की प्रख्यात पीठ है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश पर संत रविदास जयंती के इस कार्यक्रम में अपने जिलाध्यक्ष श्री पुलेंद्र सिंह यादव जी के आमंत्रण पर यहाँ आए हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का कहना है कि दलित हिंदुत्व का आधार है, दलितों के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं। हम उनके इसी संदेश को लेकर के आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, गोरक्ष पीठ की सामाजिक समरसता को और संत रविदास जैसे एक महामनीषी हुए जिन्होंने बृहद हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य किया, हम उनके कार्यों को यहाँ पर बताने और योगी जी महाराज जी के संदेश को देने के लिए आज इस कार्यक्रम में आया हुआ। अच्छा, दिल्ली के चुनाव के नतीजे पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के चुनाव के नतीजे के बारे में हम क्या करें, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, हमारा संगठन जो अराजनैतिक है, हम योगी जी महाराज जी के निर्देश पर काम करते हैं। बाकी राजनैतिक जो भी जनता अपना निर्णय देती है हम उसका स्वागत करते हैं।